broken because you don't trust anyone. You just have to take the first step. Hey guys, आज के इस वीडियो के अंदर हम रिव्यू करने वाले हैं राया एंड द लास्ट ड्रैगन मूवी का। हाल ही में 5 मार्च को ये मूवी रिलीज हुई है थिएटर्स में और डिज्नी प्लस पर। जब मैंने पहली बार इस मूवी का ट्रेलर देखा था तो मुझे वो ट्रेलर बहुत ज्यादा पसंद आया था और मूवी देखने के बाद मैं यही कहूंगा ये एक बहुत अमेजिंग मूवी है। डिज्नी को इसी तरह की और मूवीज लानी चाहिए। ऐसी मूवीज शायद 2-4 साल में एक ही बार आती है क्योंकि इस मूवी की टीम ने बहुत ज्यादा मेहनत की है। इस मूवी के अंदर जो आपको राज देखने को मिलेगा एक बहुत बड़ा राज कमोंडरा नाम का, वो कैसा दिखे, वहां का कल्चर कैसा हो, ये सब कुछ जानने के लिए इस मूवी की टीम ने बहुत सारे देशों में घूमा था। साउथ एशिया के जितने भी देश हैं लाइक वियतनाम, कंबोडिया, म्यांमार, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, लाओस, उन सभी जगह पे ये लोग गए थे और वहां से इन लोगों ने इंस्पिरेशन लिया था, वहां के कल्चर को सीखा था ताकि मूवी के अंदर ये उन सभी चीजों को ढंग से दिखा सकें। इसीलिए ये मूवी बहुत सारे लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आई और पर्सनली मुझे भी ये मूवी बहुत ज्यादा पसंद आई है। इस मूवी के अंदर सबसे ज्यादा मुझे इसकी स्टोरी पसंद आई है, इस मूवी का म्यूजिक बहुत अच्छा और इस मूवी के अंदर बहुत सारे कलर्स हैं जो हमारी आंखों को सुकून देने का काम करते हैं। इस मूवी के अंदर जो फाइट सीन्स दिखाए गए वो बहुत अमेजिंग है। ऐसा लगता है कि हम लाइव एक्शन फाइट सीन्स देख रहे हैं और कहीं कहीं इस मूवी के अंदर ऐसे सीन्स आते हैं कि हम यही भूल जाते हैं कि हम एनिमेटेड मूवी देख रहे हैं। वो इतने ज्यादा रियलिस्टिक लगते हैं कि हमको यही लगता है हम लाइव एक्शन मूवी देख रहे हैं। इस मूवी के अंदर कहीं ना कहीं आपको भारतीय कल्चर भी देखने को मिल जाएगा क्योंकि इस मूवी की टीम ने जिन जिन देशों के अंदर वो लोग गए थे इंस्पिरेशन लेने के लिए उन सभी देशों पर भारतीय संस्कृति की छाप अभी भी है। तो वहां पर आपको बहुत सारी चीजें मूवी के अंदर ऐसी देखने को मिल जाएंगी लाइक इस मूवी के अंदर जितने भी लोग थे वो लोग जब श्रद्धांजलि दे रहे थे पानी के अंदर अपने मरे हुए लोगों को, तो उसी तरह था जैसे हमारे यहाँ गंगा में अस्थियां विसर्जित की जाती है, दूसरी तरफ दिया जलाना, हाथ जोड़ के प्रणाम करना, वो सारी चीजें भारतीय संस्कृति में पाई जाती हैं। इस मूवी के अंदर आपको कुछ भारतीय नाम भी देखने को मिल जाएंगे लाइक प्राणी, अंबा, ये सब इंडियन नेम है, भारतीय नेम है और इनका महाभारत के समय से यूज किया जा रहा है। अगर इस मूवी की बेसिक से प्लॉट डिटेल की बात करें तो इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई एक बहुत बड़े राज्य की जिसको कहा जाता है कुमांडरा। यहाँ पे इंसान ड्रैगन्स के साथ रहते हैं और ड्रैगन्स यहाँ पे पीस लेके आते हैं, शांति लेकर आते हैं और वो यहाँ पे बारिश और सारी चीजों को मेंटेन करते हैं। वो एक तरह से इनके भगवान है, वो इंसानों को गाइड करते हैं। लेकिन एक दिन पृथ्वी के ऊपर अचानक से ड्रूम्स नाम के कुछ प्राणी आ जाते हैं जो ड्रैगन से बिल्कुल विपरीत हैं। ये लोगों को तुरंत पत्थर में कन्वर्ट कर देते हैं, जो भी इनकी चपेट में आता है ये पूरी भूमि को बंजर बना देते हैं और ये लोग पृथ्वी पे इंसानों को, ड्रैगन्स को अपनी चपेट में लेना शुरू कर देते हैं, उनको पत्थर में कन्वर्ट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन 5 ड्रैगन मिलकर अपनी शक्ति को एकत्र करते हैं और एक बहुत पावरफुल मैजिकल स्टोन बनाते हैं जिसके जरिए वो लोग इन सभी ड्रूम्स को वापस पाताल में भेज देते हैं और साथ ही साथ वो सभी ड्रैगन्स खुद भी गायब हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी सारी शक्ति लगा दी थी। अब कहानी दिखाई 500 साल बाद जब पृथ्वी पे 6 राज्य बन चुके हैं, वो कुमांडरा नाम का जो देश था वो बिखर चुका है, 6 हिस्सों में बट गया और सब लोग एक दूसरे से बहुत ज्यादा नफरत करते हैं, एक दूसरे को मारना चाहते हैं। वो जो मैजिकल पत्थर था जो उन सभी ड्रैगन्स ने बनाया था वो हार्ट नाम के लैंड के पास है। टोटल 5 लैंड है, सबका नाम है फैंग, हार्ट, स्पाइन, टैलेंट, टेल, इस तरह के 5 लैंड है और उस समय से हार्ट के पास वो मैजिकल स्टोन है। जितने भी बाकी देश हैं वो सब लोग इसी बात से जलते हैं, उनको लगता है कि इसी स्टोन की वजह से इनके यहाँ इतनी प्रॉस्पेरिटी, इतनी समृद्धि और ये लोग इतने ज्यादा अमीर हैं, इसीलिए वो चारों लैंड इस हार्ट नाम के लैंड से बहुत ज्यादा जलते हैं। लेकिन हार्ट लैंड का जो राजा है वो बहुत ज्यादा समझदार है, उसको पता है कि इससे समृद्धि नहीं है, समृद्धि तो हमारे कर्मों से आ रही है, ये स्टोन सिर्फ है यहाँ पे हम लोगों को बचाने के लिए क्योंकि अगर ड्रूम्स वापस पृथ्वी पे आ गए तो पृथ्वी का हाल बहुत बुरा होगा। इसीलिए वो सभी लोगों को एकत्र करने की कोशिश करता है, वो कोशिश करता है कि वो वापस कुमांडरा का निर्माण करेगा, सभी लोगों को साथ में लेकर आएगा। लेकिन सभी लोग इसको मिलकर धोखा दे देते हैं और उस स्टोन के 5 टुकड़े हो जाते हैं, जिसके बाद ड्रूम्स जो काफी समय से पाताल के अंदर दफन थे वो वापस पाताल से बाहर आ जाते हैं और एक एक करके सभी इंसानों को पत्थर के अंदर कन्वर्ट करना शुरू कर देते हैं। वो 5 स्टोन 5 अलग अलग लैंड्स लेके भाग जाते हैं ताकि वो लोग अपने आप को बचा सकें। जितने भी ड्रोन्स हैं वो कभी पानी के अंदर नहीं उतर सकते, इसीलिए ये लोग पानी के ऊपर घर बनाते हैं और पूरी तरीके से उसको सिक्योर रखते हैं ताकि ये लोग जिंदा बच सके। लेकिन जो हार्ट का राजा था, मतलब हार्ट लैंड का जो राजा था, उसकी बेटी रिया, वो डिसाइड करती है वो किसी भी तरह अपने पिता को वापस जिंदा करेगी क्योंकि उसके पिता भी उन ड्रोन्स की चपेट में आ गए थे और वो मूर्ति बन गए थे। अब अगर इसको अपने पिता को जिंदा करना है और बाकी सभी लोगों को भी जिंदा करना है तो इसको पृथ्वी के लास्ट ड्रैगन को ढूंढना होगा, जो पृथ्वी के ऊपर लास्ट ड्रैगन बचा है, उन सभी स्टोन्स को एकत्र करना होगा, वापस उनकी शक्ति को मिलाना होगा ताकि ये लोग वापस पृथ्वी को पहले जैसा कर सके और ड्रोन्स को पूरी पृथ्वी से खत्म कर सके। क्या राया ये सब कर पाती है या नहीं, वो सब कुछ आप इस मूवी के अंदर देखिए। ये मूवी इंग्लिश में अवेलेबल है, इसको अभी तक IMDb पे 7.8 की रेटिंग मिली है और ये मूवी बहुत अमेजिंग है। इसका म्यूजिक बहुत ज्यादा अमेजिंग है, इसलिए मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप उस म्यूजिक को जरूर सुने। सो गाइस, अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो तो आप मुझे बताएं, मैं और भी मूवीज के रिव्यू लेके आऊंगा और आप किन मूवीज के रिव्यू चाहते हैं वो भी आप बताएं, मैं उनके ऊपर भी वीडियो जरूर बनाऊंगा। सो गाइस, मैं मिलता हूं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।